जो प्रतोद सुनील प्रभु को जो बनाया गया था वो वही सही है और वही उसी का विप लागू होगा। लेकिन आज के आदेश में आप देखते हो कि गोगा वाले को स्पीकर ने प्रतोद दिखाया है। इसका मतलब है कि तोड़ मोड़ कर ये निर्णय माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली से गुजरात लॉबी से बन के आई थी क्या? ये प्रश्न महाराष्ट्र की जनता के सामने आया है। महाराष्ट्र में कभी भी संविधानिक व्यवस्था का को कभी भी अपमानित किया गया नहीं। ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ये आज का दिन काला दिन महाराष्ट्र के लिए संविधानिक व्यवस्था का बना हुआ है। और ऐसे समय में ये ऐसा निर्णय आना जो शेड्यूल 10 के विरोध में है, क्योंकि ये घटनात्मक व्यवस्था को ओवरूल करना ये सबसे बड़ा दोष आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पे अपने को देखने मिलता है। तो इस निर्णय में निश्चित रूप से पक्षपात हुआ है और शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है ये दिखाकर और प्रतोद गोगावले है ये दिखाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय को किस तरह से उलटफेर किया है इसका अंदाज सबको आता है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास है। ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें बिल्कुल संविधानिक व्यवस्था को बचाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी करेंगे, यह हमारी उम्मीद है। सर, इतने दिनों से फैसले को डिले किया जा रहा था, आरोप लग रहे थे स्पीकर पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और फैसला अचानक उनके विरोधी आए उद्धव ठाकरे गुट के, तो क्या पहले से यह फैसला अपेक्षित था? मैंने जब कहा कि ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार और गुजरात लॉबी का ही स्क्रिप्ट पढ़ा गया है क्या, ये अब लोगों के मन में ये बात आ रही है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये संविधानिक व्यवस्था को लेकर यह निर्णय नहीं हुआ है। इसी के परिणाम बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संविधानिक ढांचे को अगर डैमेज करने का काम जो बीजेपी बार बार कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनके आई हुई सरकारों को भ्रष्टाचार के माध्यम से डराकर कैसे डिमोलिश किया जाता है, वो भी महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जनता ने देखा है। तो हमें लगता है कि ये जो निर्णय है, 7 महीने विधानसभा अध्यक्ष ने उसको निर्णय देने के लिए लेट किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फटकारा, तब यह आज की तारीख निकली। नहीं तो पूरे समय पास करने की भी भूमिका माननीय विधानसभा अध्यक्ष की थी। क्या बीजेपी का दबाव उनके ऊपर था, यह भी सवाल उठता था। और जो आज निर्णय हुआ है वो संविधानिक आधार पर नहीं है, यह हमारा मत है और पूरे राज्य और देश की जनता का भी मत है। और ये सोची समझी चाल है और ये बीजेपी को इसके परिणाम महाराष्ट्र में और देश में भुगतने पड़ेगा। सर, आने वाले चुनाव पे इस फैसले का असर आप किस तरह से देखते हैं, दोनों ही पार्टियों पर, साथ ही महाविकास आघाड़ी? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, और हमारा हमारी और मजबूती बढ़ेगी और जनता भी हमारे साथ खड़ी होगी कि ये संविधानिक व्यवस्था को जो खत्म करना चाहती बीजेपी और उनके साथ ये जो लोग जुड़े हुए, और इसलिए इनको परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी को उसके फायदे आपको महाराष्ट्र में नहीं तो देश में देखने मिलेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।